वेलकम टू कबड्डी अड्डा। आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा जीवा कुमार को प्रो कबड्डी सीजन 6 के लिए तैयारी करते हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। और आइए सुनते हैं जीवा के फिटनेस कोच यतीश कुमार से कि फिटनेस कितना इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए, और फिर देखेंगे जीवा की फिटनेस ट्रेनिंग। जीवा फिटनेस सीरीज में हम आपको और 3 वीडियोस दिखाएंगे, तब तक देखते रहिए कबड्डी अड्डा। हाय, माय नेम इज़ यतीश कुमार। मेरा नाम यतीश कुमार है, मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और स्प्रिंट स्पेशलिस्ट हूँ। सो मेरे पास अभी फिलहाल स्ट्रेंथ एंड स्प्रिंट्स और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए फिटनेस के लिए क्रिकेटर्स, कबड्डी प्लेयर और बैडमिंटन, सो ए गेम्स वगैरह हैंडल कर रहा हूँ। फिटनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि 15 इयर्स बैक और 20 इयर्स बैक मतलब फिटनेस का इतना जानकारी नहीं था। अभी पिछले 5 साल से फिटनेस अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि गेम भी उसी तरह डिमांड हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे आप कम्पीट करने के लिए तो फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले बोलता था कि फिटनेस इतना ज़रूरी नहीं है तो सिर्फ गेम खेल लेते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। अभी फिटनेस में डिविजन्स हो गया, फिटनेस में मोबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और बायोमैकेनिक्स, ये पूरा मतलब साइंस ज़्यादा इन्वॉल्व हो के अभी ह्यूमन परफॉर्मेंस को ईजी करने के लिए और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए फिटनेस तो ज़रूरी है। और फिटनेस के साथ साथ डाइट और हम रेगुलर एक्टिविटी हम क्या करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्समैन का लाइफ है बहुत शॉर्ट लाइफ है, और उस शॉर्ट लाइफ को कितना ध्यान से दे सकते हैं उतना ध्यान में रखना, वो डाइट होगा या फिटनेस होगा या आपका गेम का टेक्निक होगा, तो ये सब मिलने से आप एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कबड्डी अड्डा, और लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए।